नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चुनावी बेला में। मैं हूं आपके साथ अनु शर्मा। तो आज हम आए हैं ग्राम पंचायत लंबलू में, जहां से जो है इस बार प्रधान पद के उम्मीदवार करतार सिंह चौहान जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आइए रूबरू होते हैं उनसे और जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या विकास के कार्य करवाए हैं और इस बार वो किन विकास के मुद्दों को लेकर फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आपको उनसे मिलाते हैं और रूबरू होते हैं उनसे और जानते हैं कि उनकी इस बार की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी। पहले तो आपका स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे को भी बहुत बहुत धन्यवाद और जो मेरे भाई बहन खड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमें पहले बताइए कि इस बार जो आप प्रधान पद के उम्मीदवार चुनावों में उतरे हैं ग्राम पंचायत लंबलू से, तो आप हमें बताइए कि आपका पहले चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह ताला चाबी है। ताला चाबी है और मेरे ख्याल है आप ये जानना चाहेंगे कि मेरी उम्र आई एम 78+ 70 साल से ऊपर हूँ। तो 20 साल पहले मैं रिटायर हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट से एज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो लोग भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछेंगे और मुझे भी बताना चाहिए कि इससे पहले मैं ऐसे चुनावों में क्यों नहीं आ गया, इस चुनाव की प्रक्रिया में कुछ शामिल क्यों नहीं हुआ। ये नहीं MLA MP कुछ भी हो सकता था, खड़ा हो सकता था। मेरी रुचि इस क्षेत्र में नहीं है, न थी और शायद अब भी नहीं है। और ये समझो कि मैं मजबूरी की वजह से, कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से आया और मुझे लाने वाले ये मेरे भाई लोग हैं। मुझे एक दिन, अभी 5-6 महीने की बात है, हमने ये बहुत बड़ी पंचायत थी तो उसकी बाइफरकेशन के लिए मेरे साथ मिस DR शर्मा प्रिंसिपल हैं, प्लीज़ यहाँ इधर आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन्होंने और इनके सहयोग से हमने कुछ कोशिश की और मेरे पूरे गांव के लोग चाहिए, बहुत बड़ी पंचायत थी तो इसके विभाजन हम चाहते थे कि इसका विभाजन हो जाए। जनता चाहती थी तो जनता की उसकी इच्छा आकांक्षाओं की वजह से ऐसा है कि मेरा जन्म भूमि भी ही और कर्म भूमि भी ही है, कर्म क्षेत्र मेरा यहीं रहा। तो मुझमें जब भी कोई बात होती है तो मुझे अपना बड़ा समझ के सब लोग मुझे ही कहते हैं कि आप आगे कुछ करें और मैं उसके लिए आगे आ जाता हूँ। शर्मा जी जैसे यदि स्टेट अवार्डी एक टीचर हैं DD शर्मा और कुछ और बहुत सारे लोग, ये लोग भी हैं लेकिन ये ज़्यादातर व्यवसाय में व्यस्त हैं, इनके पास इतना समय नहीं होता। लेकिन हम कुछ लोग रिटायर्ड लोग हैं, हमारे पास समय बहुत होता है। तो इनमें पीड़ा थी, मैंने इनकी पीड़ा को शेयर किया, हमने कोशिश की और उसको पंचायत को विभाजन करवा दिया। और विभाजन करवाने के बाद ऐसा लोगों में एक ऐसा मैसेज गया कि हम लोग कुछ कर सकते हैं आप लोगों के लिए। तो उसी वजह से हमारे पीछे लग गए लोग के अब हम आपको अगला प्रधान देखना चाहते हैं। पर वो लोग ऐसे ही कह देते हैं, मेरी ये इच्छा नहीं थी कि प्रधान बनने की, मेरे बच्चे व्यवसाय में हैं, मेरे बच्चे अमेरिका में हैं, मैं अमेरिका 6-6 महीने रहता हूँ, तो मेरी मजबूरियाँ थी कि नहीं। पर एक दिन की बात है, एक बच्चा मेरा स्टूडेंट, वो PhD है, डॉक्टरेट की है, वो कहता है सर जी एक इतना तो कर दो पंचायत में, अगर हम इस लायक तो कर दो कि कभी हम पढ़े लिखे भी पंचायत में इज्जत मान से खड़े हो सकें। मैं उसकी पीड़ा को समझ गया और मुझे कुछ ज़्यादा प्रभावित हो गया कि वाकई मुझे कुछ करना चाहिए। और फिर जब मैं पंचायत के कुछ कार्य प्रणाली को देखा, ऐसे में उसमें रुचि नहीं रखता था, तो मुझे लगा कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है भ्रष्टाचार, और मेरे लोग जो हैं बहुत पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा मेरे अंदर समा गई। फिर मैंने मर मना लिया कि ठीक है मैं करूँगा। और एक गांव के लोग 100-150 इकट्ठे हो गए और उन गांव के लोगों ने पीपल के पेड़ के नीचे मेरे से कसम खिलाई कि अब आप पीछे नहीं हटेंगे। देखिए उम्र मेरी 78 साल, मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और इसके बाद भी मैंने सोचा, मेरे बच्चे नाराज़ थे कि डैडी आपको आराम की ज़रूरत है, ऐसा ना कुछ है अनहोनी हो जाए, क्योंकि मेरी एक आदत है अगर कोई काम पकड़ लिया मुझे नींद भूख प्यास कुछ नहीं रहता, ये मेरी आदत आज से नहीं है, जब युवा काल से है। मैं तब 23-24 साल का था, मिडिल स्कूल में हेडमास्टर आ गया था यहाँ, तो उससे पहले यहाँ से है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं कुछ अनहोनी भी हो जाए तो वैसे भी हो सकती है, अगर मैं समाज के लिए समर्पित हो जाऊँ तो क्या है, संन्यास आश्रम है और संन्यास आश्रम जो है ये 75 साल के ऊपर तो
हमारी संस्कृति कहती है कि वो समाज के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। मैंने कहा इससे अच्छा मौका कोई नहीं मिलेगा। जब इनको ये आशा है कि भ्रष्टाचार से मैं लड़ सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो क्यों ना जितनी बड़ी हिम्मत उसे करूँगा। और चरम पे देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले ये 6 तारीख को मैंने नॉमिनेशन भरा, 8 तारीख की बात है कि जो पूर्व प्रधान है उसने वो पंचायत घर के पीछे, पहले का मैं डंगा दे रहा हूँ, 3 लाख के डंगे का बैनर लग गया, डंगा बन रहा था, उसके बाद वो पिलर लगाने लगा। लोगों को शक हो गया, पूछा क्या कर रहे हो, तो बाद में ये पता चला कि वो प्राइवेट वहाँ 3 दुकानें बना रहे जाते बार, क्योंकि अब वो दूसरी पंचायत के का प्रधान पद के लिए उसका वोट वहाँ है जो बाइफरकेट हुई। तो फिर मेरे से कहने लगे लोग, देखो क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मैं उनकी पीड़ा को समझ गया और मैंने एक्शन अपना शुरू कर दिया। मैं पूछने गया कि प्रधान जी ये क्या बन रहा है, बोला मेरा 20 साल का कब्जा है यहाँ और ये लाल लकीर है जिसको आबादी टीका कहते हैं, इसलिए मैं इसमें 3 दुकानें बना रहा हूँ। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा मेरी 78 साल उम्र हो गई, मैंने तो आपका या आपके बाप का किसी कब्जा नहीं देखा, ये हो क्या रहा है। कहते कर लो जो करना है, इतने तक दे मेरा कभी वो स्टूडेंट भी रहा, 6ठी 7वीं से चला गया बेचारा, ही हैज बिन माई स्टूडेंट ऑल्सो। फिर मैंने एक्शन में आ गया, जो ऊपर सरकार थी वहाँ भी मैंने वहाँ तक बात पहुँचाई, फिर एडमिनिस्ट्रेशन तक, राइट फ्रॉम जो रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं वहाँ से लेके DC से लेके SDM से लेके तहसीलदार तक और BDO तक मैंने सब तक पहुँचाई। लेकिन ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि अगर ये पंचायत लाल आबादी में ये जगह है, उस लकीर में है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकता, आप स्टे लीजिए। मैंने कहा स्टे लूँगा, इतनी तेज़ी से काम चला था, एक ठेकेदार इतनी तेज़ी से काम करवा रहा था, दिन रात कर रहे थे जैसे चोरों की तरह, तो मैंने कहा तब तो ये दूसरी मंजिल भी बन जाएगी। तो फिर मेरी जनता, मेरे लोग इकट्ठे हुए, ये तो हटाना ही है हमें। मैंने कहा तो फिर एक ही तरीका रह जाता है भाई, आप जो है करिए। अब DC से बात करी, मैंने कहा लोग इकट्ठे हो गए मैम, ऐसा ना हो कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाए, कि नहीं चौहान साहब वो तो ख्याल रखना। मैं कहा तब तक ख्याल रख सकता हूँ, ये लोग मेरे बच्चे, मेरे लोग मेरा इतना कहा मानते हैं, मैं इनका बहुत आभारी हूँ, मैं तभी तक ख्याल रखता हूँ जब तक ये उससे बात नहीं करेंगे। जब बात करेंगे, वो ऐसा आदमी है, वो गाली की गलोच पे उतर आएगा, तब रोकना मुश्किल हो जाएगा। उसका रिकॉर्ड है, क्रिमिनल केसेज हैं, वो उसमें कोर्ट में है, लोगों की मारपीट भी की है, पंचायत के अंदर की है। तो मैंने कहा फिर संभालना मुश्किल, उसने कहा फिर चुप हो गई। और फिर वही हुआ कि लोग हुए इकट्ठे, पहले तो मुझे ईंट मारने लगा, फिर एक महिला मंडल प्रधान गई, उसको ईंट उठा ली, और यहाँ तक कि उसको गंदी गाली भी दे दी। फिर तो लोग संभालना मुश्किल हो गए और वो स्ट्रक्चर सारा वहाँ से गायब हो गया। फिर अगले दिन फिर एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया, जब प्रोसेशन हुआ बाजार के अंदर, महिलाएं आई, सब आई, आपने न्यूज़पेपर में शायद पढ़ा हो, अमर उजाला में काफ़ी सुर्खियाँ थी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन आया तो कहते हैं इसको बंद करो। मैंने कहा कल क्यों नहीं आया, कल आ जाते तब तो बात बनती। खैर वो फिर उन्हें कहा संडे का एक दिन का टाइम दे दो, हम मंडे को, सैटरडे था, मंडे को हम इसकी निशानदेही करेंगे। उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, वो उस 11 बजे ठीक तैसे देर आ गया और निशानदेही में ये पाया गया कि वो जगह जो है वो PWD के अधीन है, आधी सड़क के साथ, और थोड़ी सी जगह जो है वो लाल लकीर में है। पर ना PWD ने कोई नोटिस दिया उनको और ना रेवेन्यू ने, जबकि पटवारी का बिल्डिंग के बिल्कुल साथ लगती जगह थी, कानगो वहाँ रहता था, तो उनकी मिली भगत थी, ये हम जनता ने पाया। और फिर वो इलीगल डिक्लेयर हुआ, अभी एक्शन अवेटेड है। उन्होंने कहा आप कोई जना अप्लाई करो, वो ले जाओ जो रिपोर्ट है तहसीलदार से, मेरी सुबह बात हुई। तो मैम इस तरह की चरम पर अगर मैं प्रधान कल को बन जाता हूँ और मैं सोचूं कि ये पंचायत घर मेरा ही है क्योंकि मैं हरा, मेरा कब्जा है, बड़ी शर्मनाक बात है। उस हालत में मुझे आना पड़ा और सोचा जितनी भ्रष्टाचार है वो सब पंचायतों में आ गया, इतना पैसा आ गया, या तो पंचायत के प्रधान अनपढ़ होते हैं, अनजान होते हैं, या जानबूझकर इतना करते हैं, वो इसको रोजगार बना लिया है। और हमारे ही सामने नरेगा में क्या होता है, और कई ऐसा है रास्ते शो कर दिए कि ये बनाए, वो होते नहीं हैं, वो पैसा सब हजम हो गया, हड़प हो गया। लोगों की एक शिकायत पेंडिंग है उसके अगेंस्ट, 50 आदमी के उसी गाँव के, उसके अपने चाचा उसमें, कि इसने ये कुछ अनियमितताएँ की हैं, ये अनियमितताएँ उसने की हैं, इरेगुलेट की हैं, और इस पर एक्शन लिया जाए। 4 महीने हो गए, 5, लेकिन वो पेंडिंग है। क्यों?
ऊपर से प्रेशर कहीं हाथ है, और हो सकता है कि वो लोग भी जो यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं ब्लॉक या उसके कर्मचारी, हो सकता है उनका भी कोई इसमें हिस्सेदारी हो। वो आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर स्टूडियो के साथ बात करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बताया कि जनता के सहयोग से ये प्रधान पद के चुनावों में उतरे हैं, और देखिए आप सभी जानते हैं कि जनता ऐसे ही नेता को चुनेगी जो कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करे। और इन्होंने बताया कि इन्होंने पहले भी विकास के कार्य बहुत से करवाए हैं और आगे जो इनके विकास के कार्य हैं वो भी ये करवाते रहेंगे, और जो पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। तो ये थी स्टूडियो के साथ आपकी स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूँ आपके साथ अनु शर्मा।